भाई साहब लोग बहुत दिन से एक ही डिमांड कर रहे हैं कि भाई वीवो का लॉक तोड़ो, वीवो का लॉक तोड़ो, वीवो का लॉक तोड़ो। सिंपली अभी मेरे हाथ में वीवो का न्यू मॉडल का एक हैंडसेट है जिसे आज हम सिंपली करने वाले हैं अनलॉक, वो भी बिल्कुल लाइव विद प्रूफ के साथ। अगर आप लोग के पास वीवो का किसी भी मॉडल का हैंडसेट हो, एंड्रॉयड वर्जन 11, एंड्रॉयड वर्जन 12, 10, किसी भी वर्जन का फोन ही लॉक हो चुका ओल्ड नया किसी भी प्रकार का हो फोन, हमें उससे मतलब नहीं है। गाइस अभी देखिए सारे फोन जो आ रहा है एंड्रॉयड वर्जन 12 पर आ रहा, लेकिन ये फोन जो एंड्रॉयड वर्जन 11 है तो उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिंपली हमें सिर्फ फोन के कोड से मतलब है, फोन के अनलॉक होने से मतलब है। तो अगर चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो नमस्कार गाइस, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉक तोड़। गाइस आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं वीवो का एक हैंडसेट को अनलॉक। तो अगर आप लोग वीवो यूजर हैं तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा अगर फोन को अनलॉक करना चाहते हैं तब। तो सिंपली अभी देखिए इस फोन में लगा हुआ पैटर्न लॉक साथ में फेस लॉक, तो जरूरी नहीं कि आपके फोन में पैटर्न लॉक हो, आपके फोन में किसी पर भी प्रकार का लॉक हो सकता है। तो सबसे पहले आपको अनलॉक करने के लिए इमरजेंसी कॉल पर जाना होगा। सिंपली बहुत सारे लोग कहते हैं इमरजेंसी कॉल सिर्फ पुलिस वगैरह को बुलाने के लिए होता है, एम्बुलेंस के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। फोन जो बहुत सारे कंडीशन में सारे चीज़ों को देता है, लेकिन अभी आप लोग को लाइव हम दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीवो का लेटेस्ट कोड डाल लेना है। ये वीवो का लेटेस्ट कोड है, ये इसे अपने फ़ोन में आपको डायल कर लेना है और यहाँ पर हैश डाल करके सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कोड को कॉपी में लिख लेना है। तो वीडियो को आपको स्क्रीन शॉट लेना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इस पर जो है 7 times 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 times आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको इस नंबर को डिलीट कर लेना और अपने फ़ोन में *#8999 और हैश डाल देना। तो जैसे ही आप लोग हैश डालेगा तो यहाँ पर देखिएगा कि आप लोग के सामने इंजीनियर मोड यहाँ पर ओपन हो चुका है, ठीक है। तो इंजीनियर मोड ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में सबसे पहले इंजीनियर मोड यहाँ पर ओपन हो जाएगा तो अपने फ़ोन में सबसे पहले आपको मैनुअल टेस्ट पर क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा इस प्रकार से फ़ोन को स्क्रॉल करना है तो आप लोग पहुँच जाएगा डिवाइस डिबगिंग वाले ऑप्शन पर। अगर फ़ोन में सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में OTG टेस्ट को सिंपली स्टार्ट करना है। हम यहाँ से और यहाँ देखिए चेकिंग प्लीज वेट लिख रहा, तो आपको सिंपली 13 सेकंड तक यानी जितना भी 20 सेकंड का रहता है तो 20 सेकंड तक आपको यहाँ पर वेट करना है और इससे पास करवाना। अगर ये फेल हो जाता है तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा, तो फिर हम आप लोग को दूसरा ट्रिक बता ही देंगे। तो मनाइए कि ये फाइल ना हो पासवर्ड, ये फाइल हो चुका कोई दिक्कत नहीं, आपको बैक कर लेना। अपने फ़ोन में जी सेंसर पर जाइए और जहाँ पर जो जी सेंसर है यहाँ पर से सिंपली इसे स्टार्ट कर दीजिए। ये जो है 3 to 5 seconds तक आप लोग को ऐसे ही छोड़ देना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, बैक कर लीजिएगा। इस गलत ऑप्शन पर क्लिक मत कीजिएगा, पहले ही बता देते हैं आप लोग को। हम बैक करके फिर से जायरोस्कोप पर जाए, जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट को स्टार्ट कर दिए। देखिए टेस्टिंग हो रहा, टेस्टिंग के बाद जो है ये पास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। टेस्टिंग के बाद पास होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बैक कर लेना है और यहाँ पर जायरोस्कोप नॉइज डाटा को स्टार्ट कर देना है। जायरोस्कोप नॉइज डाटा को स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से बैक जाना है, फिर से आपको बैक जाना है और यहाँ पर जो है अपने फ़ोन में सेंसर को चालू करना है। हमारे फ़ोन में 3 sensors है, तो जरूरी नहीं कि आपके फ़ोन में भी 3 ही, तो आपके फ़ोन में 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, ये 17 sensors तक हो सकता है, लेकिन हमें एक पास की जरूरत है जो कि हमारे यहाँ हो चुका है। बैक कर लीजिए और लास्ट में चले जाइए आप लोग अदर्स पर। अदर्स पर जाने के बाद आपको रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना, कन्फर्म करने के लिए बोलेगा ओके करें, लेकिन पहला बार कैंसिल कीजिएगा, दूसरा बार भी आपको कैंसिल करना, तीसरा बार में आपको ओके कर देना है। ओके कर दीजिएगा, यहाँ रॉन्ग पासवर्ड आ जाएगा। की स्टेटस पर क्लिक करके सारे की को आपको पास करवा देना है, ठीक है। अब बैक करके रिडीम रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर को सक्सेसफुली पास करवाइए और इस प्रकार से फोन को बैक करते चले जाइए। आपका फोन जिस कंडीशन से लॉक होगा उस कंडीशन में वापस आ जाएगा। तो आई होप कि आज का वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।